राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और उप मुख्यमंत्री व बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है और लगातार दोनों एक दूसरे पर ट्वीट के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए दिख रहे हैं। बता दें कि पिछले कई दिनों से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का ट्विटर के माध्यम से बिहार के नेताओं के घेरने के बाद अब कयास ये भी लगाए जाने लगे हैं कि रोहिणी आचार्य भी बिहार की सियासत में एंट्री मार सकती हैं। रोहिणी ने कल अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला किया, पूछा कि वे उन्हें सुशासन बाबू कैसे कहे, जवाब देना जानती हैं बहन बेटियां। रोहिणी ने लगातार दूसरे दिन अपने ट्विटर्स का सीरियल ब्लास्ट किया। इस दौरान उन्होंने इन दोनों ट्विटर पर अपनी राजनीतिक सक्रियता और आत्मसम्मान की रक्षा में ट्वीट और बचाव बताया तथा इसके राजनीतिक निहितार्थ उनके राज्यसभा जाने की योजना से इनकार किया। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये लोग मुझे सृजन चोरनी के भाई की तरह समझते हैं जो हर बार चोर दरवाजा से मेवा खाते हैं। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि बहन बेटी का राजनीति के बाजार में स्वार्थ पूर्ति के लिए उपयोग करने पर बहन बेटी जवाब देना जानती है, अब इसमें किसी को मिर्ची लगती है तो वे क्या करें।